पिछली राती उमिया रहमत रब दी, पिछली राती उमिया रहमत रब दी, ते करे बुलंद आवाज़ां, ओ बख्शिश मंगन वालिया कारण ते मियां खुला है दरवाजा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज तुहाडे नाल मैं अपना इस्तगारा जिहड़ा मैं खास तौर ते ज़्यादा कर रहा इस्तगारा, वह तुहाडे नाल शेयर कर लगा। तो उहदियां दो तीन चीज़ां तुहानूं दस देना, उहदा फायदा की होएगा तुहानूं करन दा। फायदा है, घर से कोई चीज़ चुकी जाती है, ज़्यादा तौर तो घरों मूंदर ही गायब हो जाती है, कोई जेवर ही चुकया जाता। मेरे को जिन्हें अजक आए ने मरीज वगैरह आ गए, यार बेली आए, उन्होंने मैंने यही क्या साड़ी मूंदर चुकी गई है, साड़ी बाबा जी फलानी चुकी गई है, तो वो मैं तुम दस लगा। कोई वैसे भी ताकि चीज़ तुम्हें गैब चो कोई होर भी मालूम करना है तो तुम वह भी कर सकते, ये जरा तुम वजीफा दस लगा इस दगारा दस तुम्हें भी मालूम कर सकते। किसी किस्म की कोई चीज़ गवाच करो, गवाच जो गुबारो, कोई यार बेली कहना यार फलानी जगह चोरी हो गई, वो सानू पता नहीं लगता, तो उन्होंने को भाई इस्तगारा करो। तीन दिन का सिर्फ वजीफा, तीन दिन वजीफा करोगे तो इंशाल्लाह ताला तुम्हें पता लग जाएगा, और पता भी लगे, डरन की भी कोई जरूरत नहीं। वजीफा थोड़ा जहा है खोज ही जो बंदा आम बंद डर जाता दुनिया दर बंदा, लेकिन डरन का कोई काम नहीं। रात को ताडे कोल बुजुर्ग आएंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं आती, बुजुर्ग यानी कि ऐसी चीज़ा जो ताबे बुजुर्ग ने बुजुर्ग ताडे कोल आएंगे, आप जाके तुम अब्बल तुम जिथे ताड़ी चोरी पई हुई तुम उस जगह दिल जा के तुम निशानदगी करेंगे, ए पई गई ठीक, या नहीं तो फिर आप गल्ला करेंगे दोनों बुजुर्ग, यार फलाने बंदे की देखो यार फलानी जगह चीज़ पई हुई है, तेन पता नहीं लगता पाया, इस तरह बिल्कुल क्लीयर कट करेंगे ठीक है। तो दोस्तों, मैं तुम्हें वजीफा पढ़ के दस देना, इस्तगारा पढ़ के दसना, तेन फिर उस बाद तुम मैं तरीका दस देना पढ़ने का। इस्तगारा हैगा जी, अल्लाह इसम ने कोई होर कोई चीज़ नहीं पढ़ लगा, अल्लाह इसमां की पावर है, सफाती नान अल्लाह ताला दे पावर कुन पढ़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मुगनी या लतीफ़ो मिनल गैबे असरार बहके या हमजात, फिर तुम पढ़ के दस दिना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मुगनी या लतीफ़ो मिनल गैबे असरार बहके या हमजात, लो इन्ना क वजीफा है ठीक है। तो इशा की नमाज पढ़ के पढ़ना रात को, इस दिन का टाइम था जी इस्तगारा, रात को पढ़ना, रात को इशा की नमाज पढ़ के सौन तो तकरीबन कोई अद्धा पौना घंटा, तुम्हें पता है एक घंटा तुम्हारा लगना पढ़ने का, एक घंटा तो ताकि कोई जबान अड़ती थोड़ी बहुत, तुम डेढ़ घंटा भी लग सकता तुम, लेकिन तुम जो आम तुम रूटीन से पढ़ोगे तो तुम जबान आराम पढ़ाई जाती। इसमें तो दो रकत नमाज हाजत पढ़ने ने, पढ़ के दुआ करनी, दुआ करके उस तो बाद जो ढे दिल हाजत है, जो तुम ताड़ी चोरी हुई वो बारे कहना या अल्लाह सानू पता लगना, सानू दहाए दहाता जाए जिस तरह भी जो भी है, तो इंशाल्लाह तुम दहान गए अल्लाह ताला दी बड़े पावर को नाम ने। तो यह तुम इशा की नमाज पढ़ के दो नफल नमाज हाजत पढ़ के उस जगह पर बह के तो इनू 1900 दफा पढ़ना पैना जी, 1900 दफा। पहले दिन ही तुहानू इशारा कर दिता जाएगा कित्थे तुहाडी चीज़ पई है, कित्थे तुहाडा यानी कि गैप दा जो भी तुसी मालूम किया तुहानू उत्थे पहुँचा देंगे रात को, जे नहीं लैके जाएंगे तुहानू फिर खलो के उत्थे गल्लां करेंगे, यार देखो सामने पिया बंदे नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल इस तरह करेंगे जिस तरह मैं गल्लां कर, इस तरह गल्लां तुहाडे कन्नां च बिल्कुल आवाज़ आएगी, तुहानू सामने नज़र आएंगे, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुहानू तुसी बेफिक्र होके करो। तो दोस्तों, बस यह खास वजीफा है तुम दस दें जरा मैं करता रहा, तो तुम भी करोगे तो वजीफा तो मैं भी बा मोकल बड़े करता रहा, लेकिन तुम यह करोगे हमजात का है तो इंशाल्लाह तुम पढ़ो, तो फिर उस तो बाद तुम अंदाजा हो जाएगा भी बाबा आबद की कहन डे है। यह बाबे आबद तो सुनिया सुनिया गल् नहीं है, यह तजर्बा शुदा सारी जिंदगी यह काम किया पीरो मुर्शद आए हैं। दोस्तों फिर इन्होंने पढ़ो तो फिर उस तो बाद नज़ारे लवो। अच्छा जी, अस्सलामु अलैकुम।